नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन अगर आपका चंगा हो तो आप किसी भी पूजा पाठ को करो, वह पूजा पाठ आपके लिए तुरंत ही फलदायी होगा। मित्रों, आज ऐसी ही सच्ची घटना मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिन्होंने मात्र 7 दिन ही हनुमान चालीसा को पढ़ा और उनके जीवन में अद्भुत बदलाव व चमत्कार देखने को मिला। वैसे तो आप सभी ही जानते ही होंगे कि हनुमान चालीसा कितना चमत्कारी महामंत्र है, और जब भी आप राम नाम के साथ इस चमत्कारी महामंत्र का जाप करते हैं तो यह मनुष्य के जीवन में काफी फलदायी व चमत्कारी मंत्र साबित होता है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन काफी संकटों व कष्टों से भरा हुआ था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है। और किसी ने उसे बताया कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मित्रों, वह व्यक्ति इससे पहले हनुमान चालीसा पढ़ता तो था, लेकिन कभी कभार ही, और वो भी इतने दिल से मन लगा कर नहीं। लेकिन उसने बीच में ही हनुमान जी की स्तुति और भक्ति बीच में ही बंद कर दी थी। वह व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसने हनुमान चालीसा के पाठ को करना बंद ही कर दिया था। और फिर किसी के समझाने पर उस व्यक्ति के भी मन में आया कि हाँ, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ फिर से शुरू करना चाहिए, लेकिन इस बार मैं संकल्प के साथ इस पाठ को शुरू करूंगा। तभी मित्रों, उस व्यक्ति ने 7 दिन हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुरू किया और यह पाठ उसने प्रत्येक दिन 7 बार करना शुरू किया। मित्रों, पहले वह राम नाम का जाप करता था, उसके बाद वह हनुमान चालीसा पढ़ता था। तभी मित्रों, हनुमान चालीसा का 7 दिन का संकल्प तो खत्म हो चुका था। अब उसके मन में आने लगा, क्योंकि उसने ऐसी चीज भगवान से मांगी थी कि वह उसे समय आने पर ही दे सकते थे। अभी तक उसका समय नहीं आया था, उस काम का अभी तक समय नहीं आया था। तो क्या हुआ मित्रों, एक बार उसने भगवान से मांगा कि भगवान, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है या नहीं। और बजरंग बली जी से उसने यह कहा कि भगवान जी, आप कोई ना कोई इशारा तो कीजिए कि आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया भी है या नहीं। और मित्रों, अगले ही दिन उसके छत पर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मित्रों, जब वह छत के ऊपर देखता है तो उसे यह दिखाई देता है कि एक वानर उसकी छत के ऊपर बैठे हुए हैं। उसने तुरंत ही उन्हें नमस्कार किया और मित्रों, फिर 5 मिनट के बाद ही वह वानर गायब हो गया। वो व्यक्ति झट से समझ गया कि ये भगवान का ही चमत्कार, उनका ही इशारा है जो मुझे वानर के रूप में उनके दर्शन हुए। मित्रों, अब वह समझ चुका था कि भगवान जी ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तभी से मित्रों, उसके मन में काफी सुकून सा आ गया, वह काफी शांत प्रवृत्ति वाला हो गया, वह किसी के झगड़े में भी नहीं पड़ता था और वह सात्विक जीवन व्यतीत करने लगा जिसकी मांग उसने की थी। मित्रों, वह सांसारिक उलझनों से दूर रहने लगा। मित्रों, उसके जीवन में भी संकट आते थे, लेकिन उसका मन कुछ समय बाद फिर से शांत हो जाता था। उन संकटों से लड़ने की उसमें शक्ति आ जाती थी मित्रों, और वह व्यक्ति सामाजिक दुर्व्यवहारों से, सामाजिक दुष्टता से दूर रहने लगा और वह व्यक्ति काफी शांतिपूर्ण, सुकून भरा जीवन व्यतीत करने लगा। इस संकल्प के पूरे होने के बाद, जैसा कि उसने संकल्प करते समय मांगा था कि उसका जीवन काफी सात्विक हो जाए, वो उलझनों में ना पड़े, और उलझने आए भी तो उन्हें झट से सुलझा ले, रोज रोज के लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, उसके जीवन में सुधार आ जाए और मन में चलने वाले, मन में आने वाले गंदे विचार भी
बंद हो जाए। और मित्रों यकीन मानिए उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसके जीवन में अचानक से नए नए बदलाव चमत्कार होने लगे। उसके जीवन में कोई भी कष्ट या कठिनाई आती, वो उन कष्टों से घबराने की जगह उन कष्टों से उबर जाता और उसके मन में उठने वाले गंदे विचार भी अच्छे विचारों सद्विचारों में बदल गए। इस तरह से उस व्यक्ति के जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से आश्चर्यजनक बदलाव आए और वह भक्त भी काफी खुश हुआ, क्योंकि वह भगवान जी से यही चाहता था। और अब वह भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और अगर रोज नहीं कर पाता है तो मंगलवार और शनिवार को तो करता ही करता है। इस संकल्प से उसके जीवन में काफी असर काफी बदलाव दिखाई देने लगे और वह व्यक्ति नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बन गया। अब वह व्यक्ति जब भी भगवान जी से कुछ भी मांगता है तो भगवान जी देर ही सही लेकिन उसे देते जरूर हैं। उसके घर में और भी कर्जे थे और भी तकलीफें थी, धीरे धीरे भगवान की भक्ति से कम होती चली गई सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा की वजह से। मित्रों जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।